तीन तरीके के तरीके से इस देश का आजादी का आंदोलन चला। पहले में एक गांधी के नेतृत्व के अंदर लोग चल रहे थे, दूसरा नेताजी सुभाष भगत सिंह जैसे लोग थे जिनको गरम दल कहा गया, और यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों ने उनको कांग्रेस के पिता हम जवाने। तीसरे भरोसा डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनके दिमाग के अंदर एक प्रश्न था सबसे बड़ा, यह मुल्क आजाद हो जाएगा लेकिन आजादी के बाद गुलामों की स्थिति तो गुलामों की ही तरह रहेगी, हमारा क्या हो। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस आंदोलनकारियों के से अलग हटकर तो ब्रिटिश वायसराय काउंसिल के अंदर दलितों के अंदर तिरस्कार की आवाज को लेकर बात कर रहे हैं। तो उस समय पर दलितों की स्थिति क्या थी या फिर तिरस्कार की स्थिति क्या थी कि हमारे पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वेयरिंग नहीं था, राइट ऑफ वर्क भी नहीं था हमारे पास, और हम गांव के दूर दराज के कोनों में बसाए जाने वाले लोग थे जिनका स्केटर आबादी छितरे हुए लोग थे। हम सारे के सारा विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से अपने अपने जो व्यवसाय थे शिल्प थे उनके अंतर्गत काम कर रहे थे सारे का, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन घृणित कामों के अलावा अच्छा काम करने के लिए तैयार तो थे मगर उनको अवसर की समानता नहीं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब मौका मिला आजादी के बाद कि उनको संविधान का बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कई सवालों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतनी बड़ी विषमताओं को झेल रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब के मन के अंदर जरा भी विषयापन नहीं था। काश अगर जरा भी विषयापन होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवता की बात कहा करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरी निर्मिति तीन व्यक्तियों से हुई है, जो मेरा सिद्धांत जो मेरा व्यक्तित्व है जिससे उभार आया है उसके पीछे बुद्ध का हाथ, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा है, कबीर का चिंतन, और उस चिंतन को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब आगे बढ़ते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर के दिमाग के अंदर एक ह्यूमन बींग की बात आती है, मानवता की बात आती है। उस मानवीय परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस देश के अंदर जातिगत विषमताएं थी, वैमनस्यताएं थी, जाति विद्वेष था, और विद्वेष के साथ साथ इस देश के अंदर रूढ़िवादता और जड़ता इतनी गहरे में पनपी हुई थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना ही नहीं कर रहा था। तो जब इन परिस्थिति को देखा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रस्तावना है संविधान का जो मूल प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के अंदर उन्होंने रखा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। किसी भी देश के अंदर क्या पूरे विश्व की मानवता के लिए इन चार चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनसे प्रश्न किए कि यह तो आपने दूसरे देशों के मुल्कों फ्रांस की क्रांति से बहुत सारी चीजें ली हैं, किसी ने कहा कि ये संविधान आयरलैंड से लिया गया वहाँ की, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया के बड़े से बड़े इसको बड़े देशों के संविधानों को पढ़ा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद लीगल आदमी तो थे ही थे, जूरिस्प्रूडेंस भी थे, और भारत के अंदर दो ही तीन जूरिस्प्रूडेंस तो उस समय के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा नाम था, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दिया गया। उस मौका देने के बाद तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो मेरा प्रियम्बल है जो न्याय समता स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात है ये मैंने अपने आदर्श अपने तथागत बुद्ध से लिया है, यह सारा के सारा बुद्ध के चिंतन के अंदर है। डेमोक्रेसी की स्थापना भी बुद्ध ने की, जब आम्रपाली और वैशाली की नगर वधु जो थी, जब उन्होंने वैशाली के अंदर जब भगवान बुद्ध से उन्होंने कई बार आग्रह किया कि भगवान मेरे यहाँ पर आप खाना खाने के लिए आए, भगवान कभी नहीं गए उसके पास, और जब अंतिम समय पर जब बुढ़ापे की ओर जब आम्रपाली गई तो तथागत से कहा कि भगवान आज मेरे यहाँ पर भोजन का आग्रह है आप इसे स्वीकार कीजिए, तो भगवान ने उनका भोजन स्वीकार करने के लिए हामी भर दी। तो भिक्षुओं ने प्रश्न किया संघ ने कि भगवान आपने जो है आज इनका प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया, कह रहा मैंने इसका प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया उस समय ये अपने मत में मस्त थे, युक्त थे, और रथ पर चढ़कर ऐसे निकल आ करते जैसे महारानी निकल कर जा रहे हैं, लेकिन आज बुढ़ापे की ओर आकर ये खड़ी हो गई है, तो आज जो मैं तो मैं वहीं चलाए तो भी कर सकते हैं। तो वहां पर जब रखा तो उन्होंने खाना खाया, और खाने के बाद वैशाली की नगरपति जो थी उस आम्रपाली को उन्होंने विष्णु संघ के अंदर शामिल किया कि मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ। तो वैशाली की भूमि से सबसे पहले डेमोक्रेसी का सिद्धांत लागू हुआ, लोकतंत्र की स्थापना वैशाली से हुई है, और बाबा साहब ने वही डेमोक्रेसी पद्धति है जो सारी मिसाई, तो उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला और प्रस्ताव में के अंदर न्याय समता बंधुता स्वतंत्रता की बात की, और आजादी के 70 वर्ष के बाद जो आज हमारी स्थिति है
अब स्थिति बहुत किसी ने माननीय काशीराम महंत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 1956 में निधन होता है तो हमारे बीच के अंदर माननीय काशीराम साहब आते हैं। तो काशीराम साहब ने पूरा ऐतिहासिक पूरा हमारे महापुरुषों का जो विजन था जो उनकी आइडियोलॉजी को गांव गांव के अंदर जाकर उन महापुरुषों से अवगत कराया और एक बहुजन वैचारिकी को जन्म दिया। अब प्रश्न यह होता है कि इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों है। सबसे बड़े दो प्रश्न है कि इस देश पूरे मुल्क के अंदर दो तरीके यहाँ ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दो सबसे बड़े शत्रु हैं और ये शत्रु हमारे हैं जो नीचे तबके के लोग समाज के लोग हैं। जब तक इन वर्ग शत्रुओं को नहीं पहचानेगा और इनके टूल्स क्या क्या है औजार क्या क्या है जिसके माध्यम से दलित समाज का शोषण होता है भले समाज का शोषण होता है तो इनसे बचने के उपाय क्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी चीजें दी है, शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो ये सारी चीजें। अब शिक्षित बनने के बावजूद हमें अकेडेमिक स्कूली तालीम तो हासिल हुई लेकिन रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां मिलती है और मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब तक आप शिक्षित होने के बाद अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करेंगे हमारा शोषण होता रहेगा। आप शोषण वह लोग नहीं कर रहे हम खुद उनके हथियार बन रहे हैं हमारा शोषण करिए। आज जिस दिन से हाथ में कलावा मंदिर में चढ़ावा और हिंदू धर्म को बढ़ावा देना बंद कर देंगे इस देश की कोई ताकत नहीं की आपको कोई मीडिया हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम शिक्षित होने के बावजूद भी हमारे घरों में कोई घंटियां और टल्लियां बज रही हैं। जब तक घंटियां टल्लियां बजाओगे आपका स्थान कोई नहीं कर सकता। मैंने लिखा कि बुद्ध और बोधिसत्व इस मौत के हालात नहीं बदल सकते कि बुद्ध और बोधिसत्व उस कौम के हालात नहीं बदल सकते जिस कौम को एहसास ना हो खुद के हालात बदलने का। जब तक आपके मन के अंदर उठने की चेतना नहीं होगी आप विकास करने की भावना नहीं होगी समानता के लिए लड़ने की तमन्ना नहीं होगी जब तक आपका विकास नहीं हो सकता आप भी हाथ नहीं कर सकते। अब प्रश्न है कि संविधान में बदलाव के प्रयास जो स्वरूप है बदलाव स्वरूप इसका मूल स्वरूप है क्या। इसका मूल स्वरूप है संविधान की प्रस्तावना जिसके अंदर है न्याय है। क्या कोई व्यक्ति किसी चाहे को चाहे वो एससी हो एसटी हो या स्वर्ण वर्ग का हो ईसाई हो मुसलमान हो या अफलियत के लोग हो क्या कोई व्यक्ति ऐसा चाहे कि उसके साथ न्याय ना हो। तो इसे स्पष्ट जाहिर है कि हर व्यक्ति न्याय चाहता है। कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रीएम्बल को बदलने की बात के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी बात समता है हर व्यक्ति समता चाहता है बराबरी का अधिकार चाहता है सारा सारा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा इस समाज के अंदर जो असमानता की बात करेगा या विषमताओं को स्वीकार करेगा या असमानताओं को स्वीकार करेगा। इसलिए समता के लिए हम सभी लोग जागरूक है सारे के सारे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि विषमता को चाहेगा और जो विषमता को चाहने वाले लोग कौन हैं वे वर्चस्ववादी लोग हैं जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं क्योंकि उनके हाथ से जब हिस्सेदारी निकलती है तो उन लोगों के अंदर एक दर्द पैदा होता है। आज वही आज उनकी सरकार है हिंदूवादियों की सरकार है उसका कारण क्या है वो अपने तरीके से सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन जब तक यहाँ का बहुजन जागरूक नहीं होगा दलित समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे आपके अधिकार छीनने में देर नहीं लगेगी। आप सोच रहे रिजर्वेशन का आपको पता भी नहीं था और हम सोच पड़े सारे के सारे। और उसके बाद स्वतंत्रता है स्वतंत्रता कोई से जब भी कभी स्वतंत्रता के ऊपर हमला होता है तो आदमी चिल्लाता है सारे और जब भी हक छीनते हैं तो आदमी चिल्लाता है। आज हमारे हक छीन रहे तो हम चिल्ला रहे हैं जब तक हमारे को महसूस नहीं था एहसास नहीं था तो हम सोए हुए थे सारे के सारे लोग। अपना ही बात बंधुता की किसी भी देश के अंदर या विश्व के अंदर जब तक बंधुत्व भाव नहीं होगा प्रतिनिधि भाव नहीं होगा जब तक वह देश विकास नहीं कर सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जागरूक बने एक दूसरे को सचेत करें कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साउथ अफ्रीका के अंदर जब वहां पर रंगभेद की लड़ाई चल रही थी तो एक युवा कवि ने एक कविता लिखी और उस कविता लिखने के बाद वहां की सरकारें थी जो गोरी सरकारें थी और उन्होंने 18 वर्ष से उस लड़के को फांसी लगा दी तो वहां के लोगों के अंदर मन के अंदर आया कि अरे जब शब्दों से सरकार इतना डरती है तो फिर हम शब्द ही लिखेंगे और वहां पर एक बड़ी क्रांति हुई। और आज दलित साहित्यकारों ने भी इस मूवमेंट को बढ़ा रखा है राइटर्स निकल कर आ रहे हैं प्रोफेसर निकल कर आ रहे हैं। अभी देखा काम चल रहा है एक समय वह था कि हमारे को पढ़ने का अधिकार नहीं था शास्त्रों को पढ़ने दिया नहीं जाता था लेकिन आज जब हम दलित साहित्य के माध्यम से हमारे को पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारी किताबों को बेल्ट लगाया जा रहा है जब उनको मालूम पड़ता है कि हमारे इतिहास के अंदर जब उनको अपने इतिहास का बोध होता है कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से यहाँ के बहुसंख्यक समाज को दबा कर रखा कुचल कर रखा अधिकारों से वंचित रखा और घृणा और विषैला उनके साथ व्यवहार किया तो आज जब वो देखते हैं अपने तो उन मालूम पड़ता है कि उनके साथ एक हेट करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब बुद्धि का विकास होता है जब व्यक्ति जागरूक होता है चेतनशील होता है तो वह उन चीजों को नकारना स्वीकार करता है। इसलिए
तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप जितना जागरूक रहेंगे, लिखिए जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है, आप पढ़कर खड़े हुई है, सिर्फ आपका खड़ा जो अप्रैल के आंदोलन को आप देखते कि सरकार को ऐसे रिजर्वेशन है कि वो वापस नहीं रखना चाहता। आज जो चल रहा है जिनकी किसी की ताकत नहीं कि संविधान को बदल दे या संविधान के मूल स्वरूप को कोई बदल दे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चाहे वो अखिलियत के लोग हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, बहुजन हो, जो लोग न्याय का विरोध करता हो, जो लोग समता का विरोध करता हो, जो लोग स्वतंत्रता का विरोध करता हो, जो भ्रातृत्व का विरोध करता हो। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम करो कुछ नया तेज रफ्तार से, ये मौसम सही है हमारी नजर। आप देखिए 2000 के अंदर अपने वोटों पर बेकार ना करें और इस सरकार को पलटना है, 100% पलटना है। और कोई भी बात नहीं है, जहाँ ब्राह्मणों को जहाँ देखते हो वो किसी भी पार्टी का है, ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन 2019 के अंदर ये सरकार वापस नहीं आ जाइए मेरे मित्रों। 2019 के अंदर पलटे सरकार, वोट करीब धन्यवाद।